तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में और आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के और प्रॉपर्टीज़ पहले कुछ हम लोग जान लें। तो आज हम लोग जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में जानेंगे। मॉडुलस को हिंदी में हम लोग मापांक बोलते हैं, आर्गुमेंट को हम लोग कोणांक बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 = x1 + iy1 और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए पोलर फॉर्म में r1 cos θ1 + i sin θ1। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये बहुत काम आता है, अभी आपको खुद ही देखिए पता चलेगा। z2 को इसी तरह से हमने ये लिख लिया, तो यहाँ θ1 जो है z1 का आर्गुमेंट हो गया, r1 जो है z1 का मॉडुलस हो गया। इसी तरह से r2 जो है वो z2 का मॉडुलस है और θ2 जो है z2 का आर्गुमेंट हो गया। अब मान लीजिए हम z1 × z2 निकालते हैं, तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो r1 × r2 हो जाएगा, r1 × r2, और ये देखिए e power i θ1 है, e power i θ2, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, ये देखिए हो गया। तो अगर हम लोग अब इसको अगर इससे कंपेयर कर दें तो आपको ये पता चलेगा कि z1 × z2 का मॉडुलस r1 × r2 है और इसका आर्गुमेंट जो है वो θ1 + θ2 है। तो देखिए ये चीज़ लिखा गया कि z1 × z2 का मॉडुलस हो गया r1 × r2 और ये = हो गया मॉडुलस ऑफ z1 × मॉडुलस ऑफ z2। ये प्रॉपर्टी है, इसको आप यूज करेंगे डायरेक्ट जो है। इस तरह से आर्गुमेंट जब हम z1 × z2 का निकाल रहे हैं तो ये है θ1 + θ2। अब θ1 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1, और θ2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ। तो जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का आर्गुमेंट निकाल रहा हो तो दोनों के सेपरेट सेपरेट आप आर्गुमेंट निकाल करके ऐड कर दीजिए। उसी तरह से जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने में देखिए, जब आप इसमें आप इसको डिवाइड करोगे, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो देखो आ जाएगा r1/r2 और e power i θ1 / e power i θ2, इसके पावर में से इसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि z1/z2 का मॉडुलस आ गया r1/r2 और z1/z2 का आर्गुमेंट आ गया θ1 - θ2। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा गया, मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनको डिवाइड करके फिर मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है, तो डिवीजन का जब आप मॉडुलस निकालोगे तो सेपरेट सेपरेट मॉडुलस निकाल करके आप डिवाइड कर दो, और आर्गुमेंट जब निकालोगे तो न्यूमरेटर का आर्गुमेंट माइनस डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट। इसके बाद जो है आपके जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप देख लें, ये सब जो है यूज होता है, ये सब जितने भी हैं, जैसे मॉड z1, जैसे इसकी वैल्यू है z1 + z2 के मॉड का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो मॉड z1² + mod z2² + 2 mod z1 × mod z2 cos θ1 - cos θ2। और यहाँ पर अगर आपने माइनस कर दिया तो सब वही रहेगा, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। एक ये है, और लास्ट टर्म में हमने आपको ये भी बताया था, तो ये भी आप लिख सकते हो, और आर्गुमेंट के टर्म में लिखोगे तो ये लिख सकते हो। इसी तरह से जैसे हमारे पास z1 + z2 का मॉड जो है z1 - z2 के मॉड के अगर इक्वल है तो उस केस में आर्गुमेंट ऑफ z1 - आर्गुमेंट ऑफ z2 = π/2 होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इस तरह का आता है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से देखिए मॉड z1 + z2 = mod z1 + mod z2, तो इसका मतलब हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ z1 = आर्गुमेंट ऑफ z2। और इसी तरह से अगर मान लीजिए मॉड z1 + z2 का होल स्क्वायर = mod z1² + mod z2², तो इसका मतलब हो गया कि z1/z2 जो होगा वो प्योर इमेजिनरी होगा। और ये ट्रेंगल इनइक्वलिटी से हम लोग ये सब चीज़ें भी प्रूफ करते हैं, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि mod z1 + z2 < mod z1 + mod z2। फिर वो होता है ना कि किसी ट्रेंगल में दो साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, फिर दो साइड का सम जो है ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, फिर इसके बाद है जो है दो साइड्स का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड वाले साइड से ऑलवेज लेस होगा या फिर इक्वल होगा। जब तीनों पॉइंट जो है सेम लाइन में हो जाते हैं तभी ये इक्वल वाली प्रॉपर्टी आती है, और अगर सेम लाइन में नहीं है तो फिर ट्रेंगल फॉर्म होगा, तो ट्रेंगल वाले में इनइक्वलिटी अप्लाई होता है। उसी तरह से देखें ये भी है, तो ये सब जो है अक्सर क्वेश्चन वगैरह करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है
आईआईटी में मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स नंबर के करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये क्वेश्चन है कि लेट जेड वन एंड जेड टू बी एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट थ्री मॉड जेड वन इजकल टू फोर मॉड जेड टू और इफ जेड इजकल टू दिस देन मॉड जेड, या सब में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए हमने देखिए क्या किया है कि यहाँ देखिए 3/2 जेड वन बाई जेड टू की वैल्यू निकालनी है प्लस 2/3 जेड टू बाई जेड वन की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 3 मॉड जेड वन इजकल टू 4 मॉड जेड टू गिवेन है। तो यहाँ से हमने मॉड जेड वन अपॉन मॉड जेड टू की वैल्यू निकाली तो 4/3 आ गया। इसका अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए हमने सपोज किया कि जेड वन जो है, आप जानते ही हो कि जब हम लोग जेड लिखते हैं तो ये होता है r इंटू ई पावर आई थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हो मॉड जेड इंटू ई पावर आई थीटा। यहाँ मॉड जेड जो है जेड का मॉडुलस है और थीटा जो है आर्गुमेंट है। तो इसके हमने यहाँ यूज किया, जैसे जेड वन इजकल टू हम लिख सकते हैं मॉड जेड वन ई पावर आई थीटा वन और जेड टू को लिख सकते हैं मॉड जेड टू ई पावर आई थीटा टू। अब हमने जेड वन में जेड टू से डिवाइड किया तो देखो आ गया मॉड जेड वन अपॉन मॉड जेड टू इंटू ई पावर आई थीटा वन, और ये देखिए डिवाइड होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू जेड वन अपॉन जेड टू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह से जब हम जेड टू बाई जेड वन निकालेंगे तो इसको रिवर्स कर दिया तो ये आ जाएगा आपका 3/4 ई पावर माइनस दिस, ठीक है। मतलब आप जो है जेड वन अपॉन जेड टू की वैल्यू निकाले थे तो इसी का जो है इन्वर्ट कर दीजिए तो ये जेड टू बाई जेड वन ये आ जाएगा। अब हमको जो निकालना है वो आइए देखिए, जेड इजकल टू हमारे क्वेश्चन में ये गिवन है तो जेड वन बाई जेड टू की वैल्यू और जेड टू बाई जेड वन की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। अब जब पुट किया तो देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 या 4 और ये ई पावर आई थीटा, तो आपको याद होगा ई पावर आई थीटा रियल में होता क्या है, ई पावर आई थीटा आपका होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमने दो ई पावर आई थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी और इसी तरह से ई पावर माइनस आई थीटा है तो इसको ये पुट किया। देखो जब यहाँ पुट करोगे ई पावर माइनस आई थीटा तो यहाँ कॉस माइनस थीटा होगा और यहाँ भी साइन माइनस थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, हाफ से इसमें होगा, इसका इसका पेयर हमने बना दिया तो ये हो गया 2 2 या 4, मतलब 4 और प्लस 1 5/2 ये दिस। फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ और 1/2 से इसमें हुआ तो 2 2 या 4, 4 माइनस 1 3, तो 3/2 ये आ गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकलता है, रियल स्क्वायर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो इसको ऐड किया गया तो √17/2 आ गया। तो इसमें आप देखें ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका। ठीक है, और ये सेकेंड क्वेश्चन इसमें है कि इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट थीटा, मतलब ये जेड एक जो है यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इसका मॉडुलस 1 है और इसका आर्गुमेंट क्या है, थीटा है। तो पूछ रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ 1 + z / 1 + z⁻, इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा, मतलब इसका आर्गुमेंट अगर आप निकालोगे तो क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में आप चलिए, मॉड जेड की वैल्यू 1 गिवन है। देखिए इसका जो है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो ये वाले फॉर्म का बहुत कम यूज करते हैं, जबकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज होता है और क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर मॉड जेड की वैल्यू क्वेश्चन में 1 है। अब हम लोग जानते हैं कि जेड इजकल टू है मॉड जेड इंटू ई पावर आई थीटा। अब यहाँ पर मॉड जेड की वैल्यू हमने 1 रख दी। अब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप जो है कॉन्जुगेट निकालते हो तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, मॉडुलस सेम वही होता है, बस केवल क्या होता है पावर में जो आई थीटा था उसकी जगह माइनस आई थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ऐसे ये कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा, तो ये जब आप लिखोगे तो ई पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। तो ये मॉड जेड की वैल्यू 1 पुट कर दी और ई पावर माइन, अब देखिए जो हमने जेड बार निकाला मतलब कॉन्जुगेट निकाला तो ई पावर माइनस आई थीटा हो गया, इसको 1/ ये लिख देंगे, ठीक। तो अब आप ध्यान से देखो ई पावर आई थीटा की तो वैल्यू जेड है, तो यहाँ पर जब हम जेड पुट कर देंगे तो हमको ये मिल गया कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड इजकल टू 1/z। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है
जिसका मॉडुलस वन हो, तो उसका जब आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो कॉन्जुगेट जो है वन अपॉन जेड के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए वन प्लस जेड अपॉन वन प्लस जेड बार, तो जेड बार की जगह हमने वन बाई जेड लिख दिया, इसमें एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लेने पर देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, जेड ऊपर चला गया, मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसका मतलब इसका आर्गूमेंट वही होगा जो आर्गूमेंट जेड का था, मतलब इसका आर्गूमेंट थीटा आ गया। तो ये ऑप्शन देखिए ये सही है। तो आइए जो है कुछ क्वेश्चन और हम लोग जो है इसमें करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपका ये है कि इफ़ आर्गूमेंट ऑफ जेड लेस देन जीरो देन आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर्गूमेंट ऑफ जेड लेस देन जीरो और हम लोग को निकालना है कि आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो आप याद करो, आपको एक प्रॉपर्टी हमने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि आर्गूमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू होता है आर्गूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड टू। तो उसका रिवर्स आप चलिए तो उसके अकॉर्डिंग हो गया कि आप इसको ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए जेड से ये जेड कैंसिल हो गया, ये हो गया आर्गूमेंट ऑफ माइनस वन, माइनस वन को हम लोगों ने लिख लिया पोलर फॉर्म में। अब ये माइनस वन प्लस जीरो इंटू वाई, अब इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखो ये कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है और साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है। तो इसका देखिए आर्गूमेंट क्या है, पाई है, तो इस तरह से इसका आर्गूमेंट आ गया आपका पाई। फोर्थ क्वेश्चन इसमें है कि लेट जेड एंड ओमेगा बी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड इजकल टू मॉड ओमेगा एंड आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा इजकल टू पाई देन जेड इजकल टू, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मॉड जेड इजकल टू मॉड ओमेगा और आर्गूमेंट ऑफ जेड इजकल टू पाई माइनस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए ओमेगा का आर्गूमेंट आपने अगर थीटा मान लिया तो इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर आप देखें ओमेगा इजकल टू हमने सपोज कर लिया आर इंटू ई पावर आई थीटा, जहाँ आर क्या है, ओमेगा का मॉडुलस है और ओमेगा का मॉडुलस वही है जो कि जेड का मॉडुलस है। अब यहाँ से ओमेगा बार, अगर ओमेगा का कंजुगेट अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा आर इंटू ई पावर माइनस आई थीटा, इसका आगे यूज होगा। तो यहाँ पर देखें आप जेड इजकल टू हो गया मॉड जेड ई पावर आई थीटा वन, ठीक है, जहाँ थीटा वन जो है जेड का आर्गूमेंट है। अब थीटा वन आप देख ही रहो यहाँ से पाई माइनस थीटा है, तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ई पावर आई थीटा वन, थीटा वन की वैल्यू हो गई पाई माइनस थीटा। अब आई से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करके और सेपरेट हमने अलग अलग लिख लिया, आर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें आप, ये हो गया ओमेगा बार और ये हो गया ई पावर आई थीटा। ई पावर आई थीटा का मतलब हो गया कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, और कॉस पाई प्लस आई साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो ये यहाँ पर देखिए माइनस वन पुट हो गया। तो इस तरह से पता चल गया कि जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा बार के। ये ऑप्शन बी सही है। और फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों का है कि इफ़ जेड वन एंड जेड टू आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड वन प्लस जेड टू इजकल टू मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू देन आर्गूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड टू इक्वल्स टू। तो इसके लिए देखिए हमारे पास ये गिवन है, हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो देखिए इसका स्क्वायर अलग हो गया और ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर दिया। इसका स्क्वायर अभी हमने थोड़ी देर पहले मॉडुलस की प्रॉपर्टी में आपको बताया था, मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस टू जेड वन मॉड जेड वन मॉड जेड टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। अब यहाँ पर देखें इससे ये कैंसिल हो गया, इसे ये कैंसिल हो गया, और इससे जब इधर डिवाइड कर देंगे तो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू की वैल्यू आ गई हमारी वन। अब कॉस में वन किस एंगल की वैल्यू होती है, कॉस जीरो की, तो थीटा वन माइनस थीटा टू की वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब हो गया कि आर्गूमेंट ऑफ थीटा वन माइनस आर्गूमेंट ऑफ थीटा टू इजकल टू जीरो, आर्गूमेंट ऑफ जेड वन, सॉरी आर्गूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड टू।
इसमें ऑप्शन आप देख लें, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसी तरह से आप और क्वेश्चन अपने से करें आईआईटी मेंस के, और फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन इसके जो भी हैं, आप देख लो जितने भी क्वेश्चन यहाँ हो रहे हैं सब के सब में क्या है, ट्रिक अप्लाई हो रहा है, ट्रिक अप्लाई किया तुरंत क्वेश्चन हो गया, और नहीं तो फिर जो है लेंदी हो जाएगा।